हेलो गाइस, आई एम अभिषेक कनौजिया। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हम कैसे अपना प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। सो पहला एग्जांपल मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। सो ये बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहां पे इंटीजर लेता हूं। इंटीजर में मैं यहाँ पर दो वेरिएबल एक्स एंड वाई लेता हूँ। सो दो वेरिएबल मैंने एक्स एंड वाई ले लिए। सो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 देता हूँ एंड मैं यहाँ पे y की वैल्यू देने वाला हूँ। y इज इक्वल्स टू प्री इंक्रीमेंट x। तो प्री इंक्रीमेंट बेसिकली क्या है यहाँ पे मैं, सो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट y दे दिया है। अभी मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊँगा तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln प्री इंक्रीमेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ओके मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं मुझे क्या वैल्यू का आउटपुट मिलने वाला है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 101 मिल रहा है जो कि प्री इंक्रीमेंट है। इट मींस एक्स की वैल्यू को मैंने पहले इंक्रीज़ किया है, यानी कि वाई एक्स की वैल्यू से पहले इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 101 ऐड हो गया है इसमें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे वाई की वैल्यू 101 मिल रही है। सो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको और अच्छे से समझाने वाला हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी x, y एंड z तीन वेरिएबल लेता हूँ एंड एक वेरिएबल i एक्स्ट्रा लेता हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे भी x की वैल्यू 100 देने वाला हूँ एंड y की वैल्यू मैं यहाँ पे देने वाला हूँ प्री इंक्रीमेंट ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। x की वैल्यू यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हो रही है, यानी कि 101। सो यहाँ पे x की वैल्यू 101 हो गई है एंड अभी मैं यहाँ पे z की वैल्यू देने वाला हूँ। सो जेड इज इक्वल्स टू वाई इंक्रीमेंट, यानी कि वाई पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। वाई बाद में प्लस प्लस यूज़ हो रहा है। सो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। सो अभी मैं इसका आउटपुट आपको और समझाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वाई प्लस प्लस हो रहा है। तो पहले तो यहाँ पे वैल्यू वाई की वैल्यू हमारी है 101 एंड जैसे यहाँ पे y में पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पे एक और ऐड हो गया है। सो दोनों वैल्यू मिलके 102 हो गई है। जैसे कि मैं आपको भी दिखाता हूँ आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। सो मैं यहाँ पे वैल्यू 1 वैल्यू 2 दे देता हूँ। जैसे कि आप y की भी वैल्यू देख पाएंगे सिंपल वैल्यू 1 वैल्यू 2। मैं यहाँ पे आपको y की वैल्यू दिखाता हूँ एंड नीचे वाले में। सो आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पे वैल्यू 1 यानी कि वैल्यू जो हमारी है y की वो 102 मिल रही है एंड जो मेरी वैल्यू है z की है वो मुझे 101 व्हाट। वन सेकंड गाइस, देयर हैव अ प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे x की वैल्यू 101 मिली एकदम करेक्ट एंड y की वैल्यू मैंने यहाँ पे दी नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे होगा तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है y की वैल्यू मुझे 102 मिल रही है जो कि ये है वैल्यू y। मैं यहाँ पे 1 की बजाय y लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा करेक्ट समझ में आएगा। ओके मैं आपको यहाँ पे x की भी वैल्यू दिखाता हूँ क्या मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है x। ओके सो आप अभी यहाँ पे क्लियर समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं x की वैल्यू 101 एंड y की वैल्यू में क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है एंड मैं भी आपको z के बारे में समझाने वाला हूँ। सो z के साथ बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे z पे वैल्यू y की वैल्यू में हमने एक और ऐड किया है, यानी कि z की जो वैल्यू हमारी है 101 है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे y की वैल्यू हमारी ये है 102 जो ऐड होने वाद आ रही है एंड z की वैल्यू सिंपली y की वैल्यू में एक और ऐड है। सो जेड की वैल्यू आप यहाँ पे 101 देख पा रहे हैं 101। ओके सो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आगे। वन सेकेंड, तो अभी मैं यहाँ पे लास्ट वेरिएबल आई का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊँगा। सो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम सिंपल है। यहाँ पे आई इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे मैं जेड का पोस्ट इंक्रीमेंट एंड y का प्री इंक्रीमेंट यानी x का प्री इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है एंड ये हमारा प्री इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। प्री
ओके सो यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले मैं इसको सिस्टम की वैल्यू का आउटपुट दे देता हूँ, आउट प्रिंट वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो जेट की वैल्यू हमारी क्या है 101, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो जेट की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो रही है, जेट इज़ इक्वल टू 101 ओके। एंड यहाँ पे जेट एक ऑपरेटर प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऐड होगा। सो जेट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 102 ओके। एंड यहाँ पे हमारा एक्स के साथ क्या हो रहा है, एक्स में हमारा प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या है वहाँ पे 101। सो प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये है हमारा एक्स की वैल्यू 101। सो जब मैं इसको 101 यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको 101, अब जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। सो आप देख रहे हैं मुझे वैल्यू ऑफ आई 203 मिल रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया 102 और 101 को ऐड करेंगे तो आपको 103 मिलेगी। सो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से मैंने प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके आपको बेहतर तरीके से समझाया है। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। सो थैंक यू गाइस आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।